हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 100% सीपीयू यूज और 100% डिस्क यूज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर के एफपीएस को भी इंक्रीज करेंगे, जिससे आप लोग गेम भी खेल सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को विंडोज वाले आइकन पे आना है, राइट क्लिक कर देना है और आप लोगों को ऐसा टैब खुलेगा और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आ जाना है। अब सामने आप लोगों को डिवाइस मैनेजर की विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे सिस्टम डिवाइस पे आप लोगों को आ जाना है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को हाई प्रीफरेंस इवेंट टाइम आप लोगों को ये मिलेगा, तो ये वाले ऑप्शन को आप लोगों को राइट क्लिक करके डिसेबल्ड कर देना है। और डिसेबल्ड करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसको यस कर दीजिएगा और उसके बाद ये विंडोज को क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको नीचे सर्च बार पे आना है और यहाँ पे पावर टाइप कर दीजिए, POWER, और यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन आ जाएगा एडिट पावर प्लांट का, और ये ऑप्शन को आप जब ओपन करेंगे तो आपको सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, यानी कि आपकी विंडोज खुल जाएगी और आप लोगों को यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग पे आ जाना है। और फिर सामने आप लोगों को आपकी पावर के ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे जहाँ मेरा हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट है यहाँ पे आपका बैलेंस सिलेक्ट होगा या पावर सेव भी हो सकता है। तो मेरा पहले से ही हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट है तो मैं इस वजह से इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस करने के बाद ओके कर देना है और नीचे सेव चेंजेस का ऑप्शन है, उसको सेव कर देना है। और अब इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो अब सबसे पहले विंडोज वाले आइकन पे आ जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को टास्क बार का आइकन ढूंढ के उस पर क्लिक कर देना है और सामने कुछ ऐसी विंडोज ओपन हो जाएगी। मैं इसको सेंटर में ले आ देता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सके। और यहाँ पे आप लोगों को ऊपर सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वही आइकन्स दिखेंगे, वही एप्स दिखेंगे जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं। तो अब सिंपली इन पे आप राइट क्लिक करके इनको डिसेबल कर सकते हैं, जो भी आपके काम के नहीं है या जिसको भी आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में रन ना हो तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए। इससे आपके FPS भी इंक्रीज होंगे और साथ ही साथ आपका जब कंप्यूटर बूटिंग होता है तो उसमें भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करके शट डाउन करके जब आप दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंडली गीक को सब्सक्राइब भी करें।